आज बारी है सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 की ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करने की। तो ये अनफॉर्चुनेट है, मैं करना कुछ और चाह रहा था, ये ड्रॉप टेस्ट मैं एक से दो दिन बाद करने वाला था, क्योंकि कुछ और पेंडिंग वीडियोस थे जो मुझे बनाने थे, कुछ पीसेस जो यूनाइटेड स्टेट्स शिपमेंट में हैं मैं उनका वेट कर रहा था, बट सम हाउ इन बिटवीन दैट फ़ोन ऑलरेडी क्रैक हो गया है। तो हम फिर भी ड्यूरेबिलिटी टेस्ट करते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली हुआ क्या, एक घंटे पहले आपको ले चलता हूँ। आपके सामने दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 है। तो एक ड्रॉबैक सैमसंग गैलेक्सी के फ़ोन की ये है कि इसमें आपको ग्लास का बैग दिया जाता है। अगर आप अपने फ़ोन में प्रोटेक्शन नहीं यूज़ करेंगे तो आपके फ़ोन के साथ ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये ऑनर 9N है, और अगर आपके फ़ोन में गोरिल्ला ग्लास भी है तो आपका फ़ोन फ्रंट से ऐसे क्रैक हो सकता है। तो ये मोटो E5 प्लस है। अगर आप गैलेक्सी नोट को गिराएंगे 3 फीट या 2 फीट की हाइट से ज़्यादा, तो आपका फ़ोन डेफिनेटली क्रैक हो जाएगा। वो हम फीचर में देखने वाले हैं। फिलहाल हम बात करते हैं कुछ बेस्ट केसेस जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 के लिए। ये रहे आपके सारे केसेस। ये केसेस तो मैं आपको ऐसे बस डमी दिखाया था, मुझे नहीं लगता आप इसको यूज़ करेंगे। तो स्टे ट्यून, मैं पार्ट 2 में आपको और अच्छे केसेस दिखाता हूँ। तो इन सभी केसेस का ड्रॉप टेस्ट भी करके देखते हैं। तो 5 केस टोटल हैं, तो मैं रगड़ आर्मर केस का तो नहीं दिखा रहा हूँ। 2 स्पीकिन के केस हैं, स्पीकिन लिक्विड एयर, स्पीकिन रगड़ आर्मर, स्पीकिन आर्मर केस जिसको कहते हैं रगड़ आर्मर, और दूसरे बाकी 2 हैं सब केस के यूनिकॉर्न ब्रांड है, यूनिकॉर्न आप उनको बोलते हैं एक्चुअली यूनिकॉर्न बीटल। तो फिलहाल हम स्पीकिन ट्राई करते हैं, रगड़ आर्मर केस देखते हैं यहाँ पे फ़ोन क्रैक होता नहीं होता है। तो पहले हम रियर साइड से चेक करते हैं केस लगाने के बाद। सो 3, 2, 1, कोई दिक्कत नहीं है, फ़ोन परफेक्टली फाइन है, स्क्रैचेस नहीं आए हैं, फ़ोन प्रॉपर चला है, डिस्प्ले ठीक है। हम डिस्प्ले की ड्यूरेबिलिटी चेक कर रहे हैं, स्क्रैचेस तो फिलहाल नहीं देख रहे हैं, डिस्प्ले ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो अब हम टॉप से गिराते हैं। अगर आप बात कर रहे हैं फ़ोन पे और स्क्रीन की तरफ से आपका फ़ोन गिरता है तो यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, परफेक्ट है। केस हमने पहले भी यूज़ किए हैं, टेस्ट किए हैं, फ़ोन परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं आ रही इसमें। तो अब चलिए हम दूसरा ब्रांड ट्राई करते हैं। तो सब केस मैंने कभी ट्राई तो नहीं किया है, फिर भी ट्राई करता हूँ। अब केस कॉस्टली हैं, 1200-1300 के हैं, अगर मैं केस 1800 का है तो होपफुली अच्छे होने चाहिए। तो अगर एक केस वर्क करता है तो डेफिनेटली सारे केस वर्क करने चाहिए। तो ट्राई करते हैं सबसे पहले बैक साइड पर। तो परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्क्रीन सही काम कर रही है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो अब स्क्रीन की तरफ से गिराते हैं, देखते हैं सेम कंडीशन जैसे हमने स्पीकर में ट्राई किया था। 3, 2, 1, तो ये रहा फ़ोन। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे स्क्रीन पे क्रैक दिख रहा है, टच वर्क कर रहा है, ऊपर की जो होती हैं डिजिटाइजेस मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता, वो क्रैक हो गया है। सेंटर पे इंपैक्ट पॉइंट है और स्पाइरलर वेब बन गए हैं, आप देख सकते हैं थोड़ा सा स्प्रेड हो गया है बाएँ तरफ, आप देखेंगे आपको काफ़ी क्रैक्स दिखेंगे। तो ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे ऐसा होना चाहिए, फिर भी ऐसा हो गया है। तो दोस्तों हमने ड्रॉप टेस्ट देखा केस के साथ में, तो मैं आपको विदाउट केस फ्यूचर में दिखाने वाला था, लेकिन देखिए बैड प्रॉब्लम क्या है कि विद केस ऑन इट आपका सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 क्रैक हो चुका है। सिर्फ हमने 3 फीट की हाइट से फ़ोन गिराया था, 3.5-4 फीट आप ले लीजिए, फिर भी आप देख सकते हैं आपका फ़ोन कम्प्लीटली क्रैक हो चुका है। आप यहाँ पे स्पाइडर वेब देख सकते हैं, मैं आपको अगर यहाँ दिखाऊँ तो आप देखिए ये आपके दिख रहे होंगे, कम्प्लीटली यहाँ से ऐसा क्रैक हो चुका है। तो डेफिनेटली ये ब्रांड का केस तो रिकमेंड नहीं है जो हमने आपके सामने देखा है, यूनिकॉर्न ब्रांड। सो यूज़ करिए कोई और ब्रांड, वो ज़्यादा बेटर है, एटलीस्ट स्पीगन या रिंग के जो हमने यूज़ किया। तो डेफिनेटली सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 आपका ड्रॉप प्रूफ नहीं है। जब ये विथ केस आपका 3-4 फीट की हाइट से क्रैक हो सकता है, तो आप सोचिए विदाउट केस अगर आप फ़ोन को ड्रॉप करेंगे तो डेफिनेटली ये फ़ोन और ज़्यादा क्रैक हो जाना चाहिए। तो एक्चुअली हम दूसरे केस वीडियो पे वर्क कर रहे थे, लेकिन इन बिटवीन दैट फ़ोन ब्रेक हो गया। अब जिस केस को लगा के फ़ोन ब्रेक हुआ वो ये केस है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि ये कंपनी झूठा क्लेम कर रही है, फॉल्स क्लेम कर रही है। यहाँ पे स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है MIL A10G सर्टिफाइड। तो एग्जैक्टली किसी को ब्लेम नहीं करते हुए बस हम ये कहेंगे कि फ़ोन का डिस्प्ले 3-4 फीट से क्रैक हो गया तब जबकि केस लगा था। अगर आप विदाउट केस ड्रॉप करते डेफिनेटली 20% गारंटी ये फ़ोन क्रैक होने वाला था। तो आपको याद होगा हमने कुछ दिन पहले सैमसंग गैलेक्सी A6G6 का ड्यूरेबिलिटी टेस्ट किया था, बहुत ही ब्रूटल टेस्ट था। हमने ड्रॉप टेस्ट किया था, 5-6 फीट की हाइट से फ़ोन को कई बार गिराया था, फ़ोन की स्क्रीन क्रैक नहीं हुई थी, उसमें गोरिल्ला ग्लास 3 था। इस फ़ोन में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 मिलता है जो कि एक तरीके से स्क्रैच प्रूफ ज़्यादा है, गोरिल्ला ग्लास 3 ड्रॉप प्रूफ ज़्यादा था, लेकिन वो रीज़न नहीं था। रीज़न ये था कि गैलेक्सी A6 बहुत ही लाइट वेट था, लेकिन गैलेक्सी नोट 9 काफ़ी हैवी है, 4 mAh की बैटरी है,
फ़ोन मुझे नहीं पता शायद 189 या 190 ग्राम होगा, वो फ़ोन सिर्फ आपका 150 ग्राम था, तो 50 ग्राम का डिफरेंस भी बहुत होता है, सरफेस एरिया भी ज़्यादा है, इसलिए फ़ोन जल्दी क्रैक हो गया। तो अब टेस्ट करने की बचा क्या है इसमें कि इसमें बैक में भी आपका गोरिल्ला ग्लास 5 है, उसको भी हम ड्रॉप करके देखते हैं। फ्रंट में अभी भी आप देख सकते टच काम कर रहा है, इवन दो यहाँ पे क्रैक्स आ गया है, तो फिर भी हम एक बार कैशुअली फिर से गिराते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। ऑलरेडी क्रैक है, थोड़ा सा आप ज़्यादा क्रैक हो जाएगा। तो फिर से हम फ़ोन को गिराते हैं, बैक साइड हमारा परफेक्ट है, अगर आप वेस्ट हाइट से फ़ोन निकाल रहे हैं पॉकेट के हाइट से, 2 से 3 फीट की हाइट से, तो रियर साइड चेक करते हैं, 3, 2, 1। तो कुछ ग्लास पार्टिकल्स हैं, मे भी हो सकता है वो आपके फ्रंट स्क्रीन से निकल रहे हों। तो बैक साइड ठीक है, कोई डैमेज नहीं हुआ है, ऐसा मैं सोच नहीं रहा था कि ऐसा हो ना, लेकिन फिर भी काफ़ी ड्यूरेबल फ़िलहाल तो लग रहा है, कोई डैमेज नहीं हुआ है बैक साइड में, तो ट्राई करते हैं। वैसे तो फ्रंट स्क्रीन क्रैक हो चुकी है, फिर भी मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, इन केस अगर फ़ोन आपका टच अनरिस्पॉन्सिव हो जाए वो हम चेक कर लेंगे, अगर आपका फ़ोन टूट जाता है तो फिर भी काम करेगा नहीं करेगा। तो 3 फीट से दोबारा गिराते हैं, तो शायद आपके स्पाइडर वेब्स बढ़ जाने से फ़िलहाल वर्किंग फ़ोन है, 3, 2, 1। तो अब चेक करते हैं, तो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, बहुत ज़्यादा मैं नोटिस नहीं कर पाऊँ क्योंकि बहुत सारी लाइनें हैं, तो फिर भी टच आपका वर्क कर रहा है। तो अब चलिए हाइट बढ़ाते हैं, अगर आप 5 से 6 फीट की हाइट से फ़ोन गिराते हैं विदाउट केस तो देखते हैं। रियर साइड पर ट्राई करते हैं पहले, क्योंकि यही हम मेन टेस्ट करना चाह रहे थे, तो टॉप साइड से गिराते हैं, 3, 2, 1। तो परफेक्ट, ग्लास पैनल और बैक कुछ नहीं हुआ, लेकिन रियर कैमरे पे आप देख सकते हैं वहाँ पे आपका डैमेज आ गया है, रियर कैमरा आपका क्रैक हो चुका है, काफ़ी सरप्राइजिंग है। बैक पैनल कम्प्लीटली सेफ है, लेकिन आपके रियर कैमरे पे डैमेज आ चुका है, तो ये प्लास्टिक निकाल देते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही पतली कागज़ की रैपर है। तो कैमरा आपका ब्रेक हो चुका है, तो होपफुली कैमरा वर्क करना चाहिए, कैमरा करेगा, लेकिन फ्रंट डिस्प्ले आपका ठीक है। तो एक बार और टॉप से गिराते हैं, इनकेस चेक करते हैं कि फ़ोन आपका काम करता है नहीं करता है, 3, 2, 1। तो अब चेक करते हैं, थोड़ा सा डैमेज बढ़ गया है राइट साइड पे, टॉप पे मुझे दिख रहा है जहाँ से शायद इम्पैक्ट हुआ है, तो साइड से और ग्लास आपके निकल रहे हैं। तो इस तरह आपका फ़ोन वर्क तो कर रहा है फ़िलहाल, लेकिन एनी हाउ आपको डिस्प्ले चेंज करना पड़ेगा, ये चीज़ रखने से आपके फ़ोन में या पॉकेट में कभी भी कोई भी आपको हार्म हो सकता है। तो ये रहा आपका ड्रॉप टेस्ट। सो गाइस, कंप्लीट टेस्ट हमने कर लिया है, अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो डेफिनेटली आपकी सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 काफ़ी फ्रेजाइल है, डेफिनेटली ये ब्रेक हो सकती है, आपने देखा कि कैमरा लेंस भी क्रैक हो चुका है, आप देख सकते हैं कैमरा लेंस क्रैक हो गया था 4 फीट की हाइट से, बैक डिस्प्ले बच गया समहाउ आई डोंट नो कैसे, लेकिन फ्रंट में डिस्प्ले ऑलरेडी क्रैक हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी क्रैक हो गया है, सेंटर में भी क्रैक हो गया है। तो आप अच्छे ब्रांड का केस यूज़ कीजिए, तो स्पीगन जैसे हमने टेस्ट किया वो ठीक है, एक और ब्रांड में आपको रिकमेंड कर सकता हूँ वो है रिंग के, अभी मेरे पास केस आया नहीं है, ऑलरेडी शिपमेंट में जैसे ही केस आ जाएगा मैं आपको ड्रॉप टेस्ट वगैरह करके दिखाता हूँ। तो फिलहाल 2 ही ब्रांड आप यूज़ कर सकते हैं, राइनो शीट मैंने ट्राई नहीं किया तो मैं कह नहीं सकता, तो विदाउट केस डेफिनेटली फ़ोन को मत यूज़ करिएगा। अच्छे हमने वो केस काफ़ी कॉस्टली था, 1200 का केस था, MIL 810G सर्टिफाइड है, फिर भी आपका फ़ोन ब्रेक हो गया है फ्रंट साइड से। तो अगर आप डिवाइस को ले रहे हैं तो ऑब्वियसली 1000-1500 रुपये तक का अच्छा केस, जैसे कि हमने स्पीकर का देखा या रिक्के का मैं कुछ लिंक दूंगा, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों सैमसंग गैलेक्सी नोट 9 का ड्यूरेबिलिटी एंड ड्रॉप टेस्ट। तो फीचर्स देखने मत भूलिएगा, डिवाइस कम्प्लीटली सॉलिड है, आप फ्री में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विद केस आपको यूज़ करना पड़ेगा अच्छे ब्रांड का।